बिहारवी लोकसभा के जो चुनाव है उसका आखिरी चरण समाप्त हो गया है और इसमें कुछ सवाल उभरते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने चुनाव में देखा कि एक हर दल को चुनाव लड़ने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए, एक समान मौका मिलना चाहिए, वो उनको मुहैया नहीं करवाया गया है। सरकार को हटाया जाए और अगर ये सरकार दोबारा आती है तो उन कानूनों को फिर से लागू कर सकती है, ये पूरी शंका है। भाजपा को लग रहा था अब की बार हम राम के नाम पर वोट मांगकर अपनी वैतरणी को पार करेंगे, मतलब जो राम सबको सबके अंदर प्राण डालते हैं एक तरह से, लोगों की जो मान्यता है उसमें इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाली। गांधी को कोई नहीं जानता था जब तक उनकी एक फिल्म नहीं बनी थी। भाजपा सरकार और उनके जो सहयोगी दल है उनको भी ये लगा है कि आप लोगों की जमीन खिसकती नजर आ रही है, आप लोगों के हाथ से सत्ता जा रही है। लगता है ऐसी शंकाएं फैलने लगी है लोगों के अंदर, ये जनादेश का सम्मान न करके सत्ता नहीं देंगे आसानी से। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सावित्री सरकार। आज निशाना पर हमारे साथ हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उप प्रधान इंद्रजीत जी, स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। इसके अलावा आज 18वीं लोकसभा के जो चुनाव है उसका आखिरी चरण समाप्त हो गया है और इसमें कुछ सवाल उभरते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने चुनाव में देखा कि एक हर दल को चुनाव लड़ने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए, एक समान मौका मिलना चाहिए, वो उनको मुहैया नहीं करवाया गया है। वो चाहे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजना हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से मोटी राशि सत्ता पक्ष ने जो कॉरपोरेट से उगाई है वो, और इसके साथ साथ चुनाव के दौरान भी जो चुनाव आयोग के चुनाव लड़ने के कुछ नियम होते हैं कि आप जात धर्म या सेना के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, सत्ता ने शुरू से ही इन सब नियमों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी थी और चुनाव आयोग ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने अपनी एक तरह से वो एनडीए का घटक दल के रूप में ही वो काम करता नजर आया पूरे चुनाव के दौरान। तो कुछ सवाल उभरते हैं जिनका जवाब हम इंद्रजीत जी से जानना चाहेंगे कि जिस तरह से किसानों ने एक बहुत लंबा आंदोलन 2020-21 में लड़ा और एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार की कि इस सत्ता को, इस सरकार को हटाया जाए और अगर ये सरकार दोबारा आती है तो उन कानूनों को फिर से लागू कर सकती है, ये पूरी शंका है। तो हमारा पहला सवाल है जी कि इन सब हालातों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने एक आह्वान किया था कि हम सत्ता पक्ष को हटाने के लिए अपना काम करेंगे, तो इस योजना में SKM कहाँ तक अपना कदम, कहाँ तक अपना काम कर पाया है? किसान आंदोलन जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चला उसने एक भूमिका तो इस चुनाव से पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान अदा की, जिसमें न केवल 3 काले कानूनों को वापस करवाने में और इस सरकार को झुकाने के लिए बाध्य किया, बल्कि ये जो इनका असली चेहरा है, जो कॉरपोरेट परस्त चेहरा, उसको भी बेनकाब करने में एक बड़ी भूमिका उस आंदोलन ने अदा की। लेकिन उसके समापन के मौके के ऊपर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और बिजली बिल और जो लखीमपुर खीरी में न्याय प्राप्त कर, ये जो सवाल थे उनके ऊपर लिखित आश्वासनों के बावजूद भी मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के साथ एक विश्वासघात किया, जिसको उस आंदोलन के समापन के बाद भी उस सवाल के ऊपर निरंतरता में SKM संयुक्त रूप से भी और किसान संगठन स्वतंत्र रूप से भी अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ किसान आंदोलन ने जो एक बड़ा काम किया वो ये था कि 10 बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उनको भी अपने साथ मिला के एक जो मोर्चा था उसको उसका विस्तार किया, और बाकी जो अन्य जन संगठन है, कई महिलाओं के, विद्यार्थियों के, कर्मचारियों के, युवा छात्रों के, उनके साथ भी अपना जो अंतर्मुख एक स्थापित किया नज़दीकियाँ, और उस प्लेटफार्म को एक व्यापकतम मंच की तरह से उसका विस्तार करने में कामयाबी प्राप्त की, जो वास्तव में अपने आप में एक बड़ी अभूतपूर्व बात है जिसको हम कहना चाहते हैं।
लेकिन चुनाव के बाद फिर जो दूसरी भूमिका है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो, उसको बेनकाब करो और उसको दंडित करो, ये आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया और उसको लागू करने की दिशा में लगातार देश भर में किसान आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और आप अगर देखेंगे कि बीजेपी के या जेजेपी के कार्यकर्ताओं से उम्मीदवारों से जो सवाल जवाब करने की बात है, इससे पहले इस तरह सवाल जवाब करने की कोई रिवायत अपने यहाँ नहीं थी, लेकिन इस बार जो है संगठित आंदोलन ने उनके उम्मीदवारों से, उनके नेताओं से गांव-गांव में मतलब प्रोटेस्ट भी किए कि भाई आप लोगों ने जो हरियाणा सरकार ने खास तौर पे 13 महीने के दौरान जब हमारे 750 किसान शहीद हुए और अभी हाल में फरवरी में जो पंजाब के बॉर्डर के साथ जिस तरह की घटनाएं और लाठीचार्ज रबड़ बुलेट और बंद इस तरीके से कर दिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होता है और शुभकर्ण को शहीद कर दिया हरियाणा पुलिस ने, इन क्रियाकलापों के खिलाफ एक ब्लैक फ्लैग या पीसफुली प्रोटेस्ट भी जगह जगह किए गए हैं और गांव-गांव में सवाल जवाब उनके साथ किए हैं, सवाल जवाब और पार्टियों से भी किए गए हैं। ये एक स्वस्थ परंपरा है और इसको बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। हम ये मानते हैं कि बीजेपी को मतलब डिफेंसिव में डालने में और उनको एक्सपोज करने में इस आह्वान का बहुत बड़ा भूमिका है और हमें लगता है कि इसने किसान मजदूर को इकट्ठा किया है इस उद्देश्य के लिए और उनको ये जो जाति धर्म के ऊपर ध्रुवीकरण करते थे उसके ऊपर भी अंकुश लग पाया काफ़ी हद तक। इस जिस तरह से चुनाव के चरण शुरू हुए और भाजपा को लग रहा था कि अब की बार हम राम के नाम पर वोट मांगकर अपनी वैतरणी को पार करेंगे, लेकिन राम का नाम भी मंदिर का मुद्दा भी इतना कारगर साबित नहीं हुआ जैसे उन्होंने समय से पहले राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा मतलब जो राम सबको सबके अंदर प्राण डालते हैं एक तरह से लोगों की जो मान्यता है उन उसमें इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाली और शुरुआत से ही वो फिर हिंदू मुस्लिम मटन मंगलसूत्र मुजरा और आखिरी चरण में तो उन्होंने यही बोल दिया कि महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था जब तक उनकी एक फिल्म नहीं बनी थी। तो इन सब को देखते हुए उनको लगा कि उनके लिए जो ज़मीन है वो खिसकती नज़र आ रही है, तो ऐसे में क्या वो ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसके अलावा चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने के लिए वो क्या लगता है कि आपको जनमत को नकारने के लिए वो क्या क्या हालातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं? देखिए तीन हिस्से हैं, एक तो जो सरकार की नीतियां हैं जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई और भ्रष्टाचार जो अभी आपने जिक्र किया जिस तरह से इन्होंने मतलब संदिग्ध रूप से जो करप्ट और भ्रष्ट जो कंपनियां हैं उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो चंदे दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से ही वो बंडा फूट पाया वरना तो उनका पता ही नहीं चल रहा था। अब नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों के ऊपर छापा मार के और उनसे करोड़ों रुपए लेके और फिर वो छापे बंद कर दिए तो निश्चित तौर पर लोगों के जीवन से भी ये खिलवाड़ हो रही थी। तो जब राम मंदिर का जो मसला है जिसने काम नहीं किया असल में वो लोग ये समझ गए कि ये धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं और राजनीति का धार्मिकरण कर रहे हैं ये आप कह सकते हैं मतलब ये इसका समझ गए लोग इसको कि वास्तव में कोई इनकी ईमानदारी से कोई नीयत ऐसी नहीं है ये कोई मतलब राम के प्रति इनकी आस्था हो बल्कि लोगों की जो आस्था है उसको भुनाना चाहते थे परंतु उसमें उनको कामयाबी मिली नहीं। इसलिए जो आगे के इनके उद्गार हैं जो जो कुछ
उन्होंने बोला अलग अलग मौकों के ऊपर, चाहे वो मंगलसूत्र की बात है, जमीन छीन लेंगे, आदि छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, साइकिल ले जाएंगे, और जिसके नल की टोटी भी खोल, दोनों पैरों में जूती होगी तो एक जूती पैर की निकाल ले जाएंगे, ये भी समझो उस दिशा में ले जाने वाले। ये है उनकी बौखलाहट। जब उनको ये लगने लगा कि भाई ये तो कुछ भी कार्ड उनका चल नहीं रहा है देश के अंदर, तो फिर अंततः वो झूठ बोलना, दूसरे के घोषणा पत्रों को उठा के उसमें से भी झूठ बोल देना, मतलब खास बात ये थी कि अपना उनका जो मोदी की गारंटियां थी उसके बारे में कुछ नहीं है। अब वो बाद के दौर में आके वो गारंटियां भी खत्म, बिल्कुल ही निरस्त कर दी गई, उसका जिक्र ही नहीं किया क्योंकि गारंटी देने में तो माहिर है। अब हारने के बाद बताओ मोदी की गारंटी लिखना घोषणा पत्र के ऊपर, कौन ढूंढ के लाएगा हारने के बाद के कहाँ गई गारंटी, क्या हुआ? वो तो राष्ट्रपति जो ट्रंप थे पिछले चुनाव में, मोदी जी उनकी गारंटी दे आए थे अमेरिका में जाके, अब की बार ट्रंप सरकार, और लोगों ने उसका क्या हल कर दिया था, और अब भी चुनाव के अंदर किस तरीके से बेनकाब हुआ है वो शख्स, ये तो उनकी गारंटियों की वैल्यू बनती है वास्तव में। तो हुआ ये असल में कि जो रियल क्वेश्चन थे बेरोजगारी के, नौजवानों के, शिक्षा स्वास्थ्य के, सामाजिक न्याय के, जातीय उत्पीड़न के, वो सवाल इतने मतलब बड़े आकार में मौजूद थे लोगों के जनजीवन में कि इस तरीके की तिकड़मों से वो उनका ध्यान नहीं हटा पाए लोगों का, ये जरूर मतलब एक बात उसके अंदर हुई है। और कृषि का खास तौर पर आप देखेंगे जो संकट है, आप कह रहे हैं दोबारा कानूनों को ले आएंगे, दोबारा तो ले ही आएंगे, केवल इतनी सी बात नहीं है। सवाल ये है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों खेती को सौंपना चाहते हैं, और खेती एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक बाकी क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम स्तर है, अभी दवाइयों में, बीज में, उन चीज़ों के अंदर, लेकिन अपेक्षाकृत कम है, तो पूरी तरह से ही उसके अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं। चलो ये बातें तो सारी हैं जी, तभी तो जनता एक मूड बना चुकी है कि उन्हें बदलाव चाहिए। अब चुनाव लगभग समाप्त हो चुके हैं और रिजल्ट के लिए अब जैसे वो ईवीएम से क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी जगह पे लोगों को वोट न डालें ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। एक गांव इधर शायद यूपी में वो गांव था, तो वहां पर 3 बार पुलिस की ड्रेस में गुंडे आए, लोकल लोग बता रहे थे कि पुलिस की ड्रेस में आए क्योंकि उनके पास कोई बैच नहीं था, कोई नाम नहीं था, और 3 बार उन्होंने जो बूथ है उनको कैप्चर करने की वो की कोशिश की, और जहाँ पर 3400-3500 वोटिंग होती थी वहाँ पर सिर्फ 2700 के करीब वोटिंग हुई, महिलाओं ने वोट नहीं डाला। और अब एक लड़का तो 7-7, 8-8 बार वोट डाल रहा है, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं कि इनको प्रभावित करने के लिए? अब जैसे गिनती होंगी, अभी 3 दिन, 1 तारीख को आज वोटिंग हो चुकी है, 2 और 3, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग के बाद लगभग 11 दिन लगा दिए कि टोटल वोटिंग कितनी हुई है, इन सबको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सभी के सभी चुनाव के जो परिणाम उनको प्रभावित करने की दिशा में कदम है। सबसे चिंताजनक बात ये है कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव करवाने की संवैधानिक जिम्मेदारी है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी ऑटोनॉमी को और किस तरीके से उसका गठन किया जाएगा, सबसे पहले उनके साथ छेड़छाड़ की गई और लोग तभी से देखते आ रहे हैं और उनको संदेह पैदा होने लग गए, खास तौर पे उसमें ईवीएम भी मौजूद है। और पहले जो ये था कि प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 आदमियों का एक पैनल जो है वो नियुक्त करेगा चुनाव आयुक्तों को, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया पार्लियामेंट के थ्रू, और जहां चीफ जस्टिस का प्रावधान था उसकी जगह एक अन्य
प्रधानमंत्री द्वारा नुमाइंदा मनोनीत किया हुआ वो रहेगा तीसरे दौर में। तो इससे और भी ज़्यादा वो संदेह लोगों के बढ़ गए कि ये मन मर्जी से अपना चुनाव आयोग बनाना चाहते। उसके बाद ईवीएम का सवाल उठ गया, बहुत सारे लोगों ने, वकीलों ने, पढ़े लिखे भी थे तमाम, हजारों की संख्या में, उन्होंने सामने जाके कुछ टेक्निकल हैंड भी उनके अंदर थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से डिस्प्ले करके दिखाया। तो उनसे ये भी नहीं हुआ कि भाई इतना अगर मतदाताओं में ही शंका है तो आप चुनाव किसके लिए करवा। जो आदमी मतदान डाल रहा है वो न्यूनतम इतनी गारंटी तो चाहता है कि जिसको उसने वोट डाला है वहीं पे पहुंचेगा तेरा वोट, इतना तो वो चाहता है। इसमें कितनी बड़ी बात थी अगर चुनाव आयोग उनके एक पैनल को बुला लेता, अपने हॉल में बिठा देता, 10 मशीन रख देता वहाँ, भाई तुम टेम्परिंग करके दिखा दो इसमें कैसे कर सकते हो, तो ही संभव था कि आशंकाएं दूर होती। नहीं बुलाया, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पकड़ा धकड़ी हो रही है, लीडर अपोजिशन पार्टी का लीडर समय मांग रहा है चुनाव आयोग से, समय नहीं दे रहे, 4 पेज की चिट्ठी लिख के भेजती हूँ कि 10 मिनट भाई तुम बुला के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात सुनो, संसदीय लोकतंत्र में कोई अधिकार है कि नहीं दूसरी पार्टियों के, नहीं किया। और उसके बाद जब पहला राउंड की वोटिंग हुई तो उसके जो आंकड़े थे कि कुल मतदान इतना हुआ है वो आंकड़े जारी नहीं किए और प्रतिशत बता दिया, इतने प्रतिशत। 11 दिन के बाद जब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई ये बताओ ना कितना वोट पड़ा है, प्रतिशत तो हम निकाल लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, वो तो आराम से निकाल, प्रतिशत निकाल के तुम क्या दे रहे हो। अरे भैया आपसे ये मांगा है कि कितना मतदान हुआ बता दो। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इस बताने में ना जोखिम है, उसका दुरुपयोग हो जाएगा। लोग कह रहे हैं भाई साहब तुम दुरुपयोग कर सकते हो, हमें आशंका है इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। ये कितनी बढ़िया सी बात है छिपाने की। उससे फिर शंका बढ़ने लगी, फिर जो भी उल्लंघन हो रहा था कोड ऑफ कंडक्ट का लगा लो, बल्कि कई जगह तो धार्मिक नफरत फैला के एक मतलब अल्पसंख्यकों के खिलाफ और हिंसा के लिए उकसाना, ये जो ये आपराधिक कृत्य भी है वास्तव में हमारे, न केवल मतलब आचार संहिता का उल्लंघन है। उनकी शिकायतें की गई, वीडियो सबमिट कर दिए, कुछ नहीं ये जो मंगलसूत्र और मुसलमानों को ये दे देंगे वो दे देंगे, इस किस्म की बातें की। उसके बाद कई दिन के बाद एक नोटिस उनके पार्टी के प्रेसिडेंट को दे रहे, भाई जो आदमी उल्लंघन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर उसको नोटिस दो ना। ये उससे फिर शंकाएं बढ़ गई। और उसका कारण ये भी था कि एक चुनाव आयुक्त बहुत ही अनिश्चितता की वजह से रिजाइन कर चुके थे और इन्होंने मतलब हड़बड़ी में 2 नियुक्त कर दिए गए थे। अब ये सबसे बड़ी संस्था है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन ए फ्री एंड फेयर मैनर, ये कंडक्ट की बजाय मिसकंडक्ट करने लग रहे हैं। तो ये है बड़ा चिंता का विषय जिससे लोगों में कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं इसको लेके कि भाई वो ईएम। अब अपने यहाँ आप देखिए, हमारे पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, अखबारों में छपी है, उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस के मुलाजिम हैं उनसे जो फार्म 12 होता है बैलेट पेपर लेने वाला, वो भरवा के साइन करवा के और बैलेट पेपर के ऊपर मोहर लगे बिना, यानी खाली वाली बैलेट पेपर उनसे ले लिए गए। और यही बात और भी कई कर्मचारियों के, फॉर्म 17C शायद हो, 17C तो वो है ना जो जब पोलिंग क्लोज होती है तो प्रिजाइडिंग अफसर उसका विवरण देता है, इतने वोट थे इतने पड़े इस बूथ पे, साइन करके एजेंट को पकड़ाना होता है। वो 12 फार्म होता है नंबर, वो ये होता है मुझे बैलेट पेपर दिया जाए, मेरी ड्यूटी की वजह से मैं मतलब वोट कास्ट नहीं कर सकता, वोट डालने वो वाल बहुत सारों को दिए ही नहीं,
वो 12 नहीं दिए ना बैलेट पेपर दिया, ये भी कर्मचारी बोल रहे हैं। तो ये कितनी गलत बात है। और आज अभी खट्टर साहब जो उनको याद ही नहीं रहता कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ अभी भी, उन्होंने कर्मचारियों को धमकी दे दी कि यानी तुमने जो है वो कुछ वहाँ पे धांधली करने में मदद की है। सच्चाई की बात ये है उन्होंने कोशिश की कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव होना चाहिए, उससे उनको खुंदक है मतलब। तो ये स्थिति है। आप बताइए कि अगर वो अधिकारी जो अफसर है उनका, एसपी है, आईजी जो भी कुछ होते हैं, वो अगर ठप्पा मार के डाले। हमारे यहाँ कैथल में एक गांव के अंदर वो जो हैंडीकैप और ओल्ड एज के वो डलवाने के लिए जाते थे, वहाँ पर एक आप पार्टी के कार्यकर्ता ने जाके उसको एक्सपोज कर दिया, बोला आप वोट डलवाने आए हैं, ये टीम एजेंट कहाँ है पॉलिटिकल पार्टी के, हमें सूचित किया आपने कि हम वहाँ वोट डलवाने जा, नहीं किया। हाँ हाँ, वो घर घर और डब्बा जो है एक, ना कोई लॉक था, एक ना डिब्बा कोई नहीं, लॉक था, सील नहीं, हाँ, सील नहीं थी। अरे तुम्हारा ही ताला, तुम्हारे पास ही चाबी है, ठीक है, तो क्या ड्रामा कर रहे हो ये? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने वो वीडियो बना के एक्सपोज कर दिया, उन्हीं के ऊपर पुलिस ने मुकदमा बना दिया, सरकारी काम में बाधा डाल। अब ये इस किस्म की बातें हैं। आप एक बात बताइए कि भाई ताले लगाने का मतलब क्या है, जब चाबी आपके पास है तो खोल के कितने वोटों को टेम्परिंग कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो जिन्होंने भी अपोजिशन के वोट डाल रखे हैं उनके ऊपर मार्क लगा दो, जो चंडीगढ़ में और क्या बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। उनको इनवैलिड करार कर दो, गुट्ठा लगा दो, तो गया वोट तो ना। तुम सील लगा के एजेंट के साइन तो करवाओ, जब खोल लोगे तब देखेंगे उसको। ये एक सवाल बैलेट वाला भी देश भर में ऐसा आर्मड फोर्सेस के अंदर भी कहते हैं ऐसा हुआ है। तो अगर ये है तो बहुत ही गंभीर बात है, इससे ये शंकाओं का एक पृष्ठभूमि बनी हुई है। वास्तव में जब से चुनाव लड़ा है तब से मोदी सरकार को ये लग रहा है कि वो, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में जो काम किया वो उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। इसके अलावा जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, उन्होंने हमेशा से ही अपना जो एक न्यायपत्र बनाया है, कांग्रेस ने जो न्यायपत्र बनाया है, और जिस तरह से एक आम आदमी, एक जो गरीब आदमी है जिसकी आय मुश्किल से महीने में 5-6 हज़ार है, उसको ये लगने लगा है कि अब 8.5 हज़ार रुपये महीने में उसको मिलेगा, जो सालाना जो गरीब महिला को देने का एक वादा किया गया है, और इससे पूरा वातावरण चेंज हुआ है एनडीए के खिलाफ और इंडिया के पक्ष में। और भाजपा सरकार और उनके जो सहयोगी दल है उनको भी ये लगा है कि आप लोगों की जमीन खिसकती नजर आ रही है, आप लोगों के हाथ से सत्ता जा रही है। इन सब को देखते हुए वो लगता है ऐसी शंकाएं फैलने लगी हैं लोगों के अंदर कि ये जनादेश का सम्मान न करके सत्ता नहीं देंगे आसानी से। तो इन शंकाओं में कितना दम है, और अगर ये शंकाएं हैं तो देश की जनता को अपने मत का सम्मान करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अब देखिए, मोदी जी कोई मुद्दा नहीं है, वो कह रहे हैं मोदी को पहचानने में गलती मत कर जाना, मुंह मत खुलवाओ, 7 पीढ़ियों के पाप सामने आ जाएंगे। अरे कोई सवाल, कोई मुद्दा तो भैया क्या बोल रहे हो, हो क्या गया ये तो बता दो, किसने क्या कहा है तुम्हें जो इतनी इस तरीके की भाषा प्रयोग की जा रही है। उससे प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा का ही ध्यान रख लो कम से कम। और वो उसके तो हर चुनाव जैसे जैसे चरण समाप्त हुए वो नीचे ही जाते गए हैं, ये बड़ा दुख की बात है ये देश में। और उसके बाद आप ध्यान लगाने मेडिटेशन के लिए वहाँ जा रहे हैं विवेकानंद, ये भी एक चुनाव है, जो नियम है उनका उल्लंघन है। नहीं, अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे से कल जो निकल गया मुंह से, मैं उसका पश्चाताप करने के लिए ध्यान लगाने जा रहा हूँ, तो भी मतलब एक आदमी का बड़प्पन दिख सकता था। आप वहाँ जा रहे हैं विवेकानंद रॉक पे, जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था, मेडिटेशन भक्ति की थी, भाई विवेकानंद से आपका क्या लेना देना है? विवेकानंद तो उसको, वो कहते थे हमें फक्र ये है
कि हमारा जो हिंदुस्तान का धर्म है, हिंदुस्तानियों का, उसमें सहिष्णुता है, टॉलरेंस है, हम हरेक धर्म से आने वाले का स्वागत करते हैं, छाती से लगाते हैं। ये वो है विवेकानंद। तो आप जो हैं वो नफरत फैलाते हो, एक्सक्लूजन करते हो, फूट डालते हैं, और जब आप जनता में ही फूट डाल रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े क्या होता है फिर, ये बता दो। चलो जो आप कह रहे हो टुकड़े 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 लोगों के करने को ही टुकड़े टुकड़े कहते होंगे, देश तो लोगों का ही होता है। तो उस अब वहाँ वहाँ जाके ये दिखाने की कोशिश है ध्यान हटाने के लिए कि भाई हम जो धर्म कर्म में इतना तल्लीन है और आध्यात्मिक, अब तो परमात्मा के प्रतिनिधि है ना, वो हाल में तो उन्होंने बोल दिया कि भाई परमात्मा ने भेजा है मेरे को तो खिदमत करने के लिए, तो अब कौन चैलेंज करे। मतलब वो ये सारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने के लिए है कि हम इसलिए जीतते जा रहे हैं बार बार क्योंकि हमारा बड़ा धर्म कर्म में विश्वास है। और वो कई बार तो वो बोलते हैं कि कोई ब्रह्म शक्ति ऐसी अनुभूति हो रखी है विशेष रूप से, मतलब जिसकी वजह से ये बातें तो हैं, लेकिन अगर वो सत्ता नहीं सौंपेंगे। हाँ, अब सवाल ये आता है कि अगर वो कोई परिणाम को तोड़ मरोड़ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे या जन आदेश को उल्टने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही गंभीर मसला है। और जनता ये नहीं चाहेगी कि उनकी जनमत का, उनकी इच्छा का इस तरीके से अपमान हो या नकार किया जाए, मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और ये संयुक्त किसान मोर्चा में भी इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पे बहुत गंभीर बातचीत हुई है कि ये ऐसी पृष्ठभूमि को देखते हुए, क्योंकि वास्तव में इनका कोई लोकतंत्र में ना विश्वास नहीं है। सच्चाई की बात तो ये लोकतंत्र से इनको घृणा है, नफरत है। और ये जो भी कुछ कर रही है, ओरिजिनल रूप है इनका, ये जो भाई भूचाल आ जाएगा और वो सात पीढ़ियों, ये है इनका असली चेहरा। और जब ऐसा नहीं करते, उसमें दान वगैरह की बात करते, वो असली चेहरा नहीं, वो नकली है। तो ये ऐसा कर सकते हैं, सबको दिख रहा है। तो जनता के पास अब ये उनका कर्तव्य भी है और उनके लिए ये जरूरी बन जाता है कि अपने मत की रखवाली की जाए, उसका चौकीदारा किया जाए। और कोई भी अगर इस तरीके की, तो संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या, हम चिट्ठी लिखेंगे राष्ट्रपति को भी और चुनाव आयोग को भी कि भाई इस किस्म की बात जो है सुनने को मिल रही है या ऐसी प्रभाव जा रहा है देश के अंदर, तो उसको हर हालत में रोका जाए। हमारा एक संसदीय जनतंत्र है, पीसफुली जो भी जनमत का आदेश है उसको लागू किया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस राष्ट्रपति को उन्होंने खुद चुना, जिस चुनाव आयोग को खुद चुना, वो इन पे कोई कदम उठाएगा, क्योंकि उन्होंने अब तक तो कोई कदम उठाया नहीं। इसके बावजूद भी ज्ञापन तो उन्हीं के पास जाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि वो राष्ट्रपति नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो केवल चिट्ठी की बात नहीं है, लोगों की जन लामबंदी की जाएगी, प्रतिरोध किया जाएगा, विरोध किए जाएंगे देश भर में सड़कों के ऊपर आके। जिस तरह से श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन के अंदर घुसकर पब्लिक सेल्फी ले रही थी, और अमेरिका में भी जिस तरह से व्हाइट हाउस पर जनता चढ़ गई थी, अरे हालांकि वो ट्रंप के समर्थक थे। तुम देखो पाकिस्तान हमारे यहाँ, वहाँ तो उतना ज्यादा दावा भी नहीं किया जाता डेमोक्रेसी का। चार पांच महीने पहले जब वो चुनाव हुए थे पाकिस्तान के, चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। उन्होंने ये कहा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है इन चुनाव में धांधली करके, और मैं सजा का भोगी हूँ, मेरे को देश जो भी सजा देना चाहे मेरे को वो सजा दी जानी चाहिए, चौराहे पे खड़ा हो। चुनाव आयुक्त रिजाइन करके कह रहे, और उन्होंने कहा कि धांधली की गई है। और आज वो जो इमरान खान जिनकी पार्टी को मतलब हार मिली, वो तो जेल में है। अब वहाँ के जो नए शासक हैं वो उनके साथ
मतलब जेल में बातचीत कर रहे हैं कोई सम्मानजनक रास्ता निकालने के लिए। ये जनता का ही दबाव है, जनता का ही ये दबाव होता है कि फलस्तीन के सवाल के ऊपर यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब नॉर्वे के, स्पेन के जो शासक हैं, जो पहले नहीं बोलते थे, अब जनता सड़कों पे आई, फलस्तीन को मान्यता दी है उन्होंने, विद्यार्थी यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर डिग्री लेते हुए कन्वोकेशन में हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ऐसे पोस्टर अपने साथ लेके दिखाने लग रहे और सरकारों के रुख बदलने लग रहे। ये उस जनता की लामबंदी और उनकी आवाज़ की ही ताकत है कि शासकों को अपनी पोजीशन बदलनी पड़ रही है और उनको इजराइल के बारे में कहना पड़ रहा है कि ये नरसंहार बंद होना चाहिए, ये युद्ध ख़त्म करो, ये अमानवीय है, ऐसे कभी भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 40,000 तो मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि जब जनता सामने आती है वही बड़ी ताकत अपने आप में होती है। तो आपका कहना है कि जनता को लामबंद करके अपने मत का सम्मान करवाया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे अगर सरकार जनता का जो मत है उसका सम्मान नहीं करती है। चलिए एक ये मान ले कि हम वैकल्पिक सरकार केंद्र में आती है और इंडिया गठबंधन सरकार बना पाता है, तो उसमें खासकर किसान और देश की जनता क्या उम्मीद लगाए, या फिर उसी तरह से किसानों को धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे? एक तो बात यह है कि ये अपेक्षा तो ज़रूर की जाती है कि इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे, और उस दिशा में जो किसान मजदूर का सवाल है, युवाओं का सवाल है, रोज़गार पैदा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ठप हुई वो अर्थव्यवस्था पड़ी है उसी की वजह। भारत में जितनी गैर बराबरी है जिसको आर्थिक विषमता कहते हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं अश्लील स्तर की आर्थिक विषमताएं हैं। इसका क्या 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 मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि 1% लोगों के पास देश की 40% धन संपत्ति है, तो ये ऐसा कहीं भी नहीं है दुनिया में, और ये सबसे ज़्यादा पिछले 10 साल में मोदी शासन में बढ़ी है। तो एक तो इसको घटाया जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए नीतियों में कुछ वैकल्पिक ओरिएंटेशन दिशा देनी पड़ेगी, और ख़ास तौर पे किसान की देखें तो उसकी जो इनपुट कॉस्ट कहते हैं उसको, लागत मूल्य घटाया जाए, और वो कुछ कई तरीक़ों से घट सकता है। उसको वो जितने भी इनपुट हैं लागत की चीज़ें वो सस्ते में उपलब्ध कराई जाएं, और दूसरा उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ख़रीद की कानूनी गारंटी दी जाए, जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन ने, कमीशन ने रिकमेंड किया था। दूसरा ये है कि मजदूरों को भी एक न्यूनतम वेतन की अपेक्षा तो सभी करते हैं इतनी महंगाई के अंदर जो स्थिति है, और किसानों को ये भी ज़रूर, खेत मजदूरों को, कि जो कर्जा मुक्ति का सवाल है, ये कांग्रेस ने भी इसको किया, ऐसा केरल में है प्रावधान, जहाँ पे वाम जनतांत्रिक मोर्चे की, लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट है, वहाँ पर कर्जा मुक्ति बोर्ड बना रखा है, तो वो किसानों के ऊपर कर्जा क्यों चढ़ता है उसका समय समय पे अध्ययन करती, और उस कर्जे को फिर ना चढ़े ये सुनिश्चित वो करती है। तो ऐसा हम यहाँ पर चाहते हैं, महंगाई पे काबू किया जाए, और ये जो शिक्षा के साथ नई शिक्षा नीति में धक्का करके, क्योंकि ये राज्यों का विषय है और ऊपर से थोप दिया गया, वो सारा मतलब वापस करना ज़रूरी है, और जन पक्षीय एक शिक्षा जो सस्ती और सभी के लिए उपलब्ध हो, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो, जनतांत्रिक हो, वो करना बहुत ज़रूरी है।
और जितना भी ये जहर चढ़ाया जा चुका है संस्थानों के अंदर, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन की जानी चाहिए, ऐसी जनता भी अपेक्षा करती है। और केंद्र राज्य संबंधों को वास्तव में जो हमारे फेडरलिज्म की या संघीय प्रणाली की जो संवैधानिक भावना है उसके अनुरूप उसका ऑनर किया जाना चाहिए। ये राज्यों के साथ जो भेदभाव है जीएसटी का या दूसरा, ये ख़त्म होना चाहिए। और ये जो धमकियां दे रहे हैं कि 4 तारीख के बाद ये सरकार गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, ये एक बड़ा ख़तरा उस तरीके से भी है, तो ये चलने वाली चीज़ नहीं है। मतलब तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लामबंदी तो किसान मजदूरों को और दूसरे तबकों को अपनी करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए संघर्ष और लड़ाई की भी ज़रूरत पड़ी तो हमें कोई ऐसा भ्रम नहीं है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जैसा भी आवश्यकता अनुसार हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी तो आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर भी जाएंगे जरूर। स्वास्थ्य के मामले को लेकर जैसे इंडिया गठबंधन में मेन बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम 5 की जगह 25 लाख का बीमा देंगे। हालांकि बीमे की जो हालात हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल्स को जो बीमा राशि नहीं मिल रही है, लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, ये भी एक ढकोसला है। तो कहीं ये भी 5 लाख की तरह 25 लाख का बीमा देंगे, कहीं कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती कि लोगों को कोई राशि खर्च ना करनी पड़े, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाइयों की भरमार हो, उनमें हर तरह के उपकरण हो। क्योंकि होता क्या है कि सरकारी हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर तो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जैसा भी है जितने भी हैं वो 5 रुपये में पर्ची बनती है वो मिल जाते हैं, लेकिन दवाइयां लिख देते हैं कि आपको ये बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, आपको ये उपकरण बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, फिर वो 2000-10000 ये टेस्ट बाहर से होंगे। मतलब ये भी एक भारी राशि एक गरीब आदमी को भुगतना, और वहाँ पर ना तो आपका 5 लाख का बीमा कोई काम कर रहा है, ना आपका 25 लाख का बीमा कोई काम करेगा। देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उस समय के ऊपर ही उनके ऊपर विमर्श करना ज़रूरी है। मतलब स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा पर भी बजट का पर्याप्त, हाँ अभी MDU में देखे तो कितनी ज़्यादा फीसें बढ़ा दी गई हैं, फीसें भी बढ़ा दी और स्टाफ नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यह, कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं जगह जगह, प्रोफेसर भी, पढ़ाने वाले भी कच्चे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो यानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई पोषण की भी तो बात है ना, हमारी सोसाइटी कुपोषित है, 80% 80 करोड़ लोगों को मतलब मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, और इसके बावजूद 125 देशों में भारत का जो भूखमरी के अंदर हंगर इंडेक्स कहते हैं 111 पर खड़े हम, जो बंगाल, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी भारत नीचे है, वो कुपोषण की स्थिति का सुधार करना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में एनीमिक है, बच्चों के अंदर है, तभी स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। और यहाँ तो पीने के पानी तक की हालत, यह हाहाकार मची हुई है जगह जगह, शहरों में, गाँव में, मतलब बिजली की है, ये इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे निश्चित रूप से एक जनपक्षीय नीतियों का विकल्प जो है वो उस पे बहस और बातचीत भी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। चलिए जी, यही उम्मीद लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन एक वैकल्पिक सरकार बनाए और लोगों की जो जनपक्षीय नीति है, क्योंकि अभी शिक्षा में फीसें बढ़ा दी गई हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी मारामारी चल रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि देश में एक वैकल्पिक सरकार बने और गठबंधन की सरकार बने, क्योंकि एक तानाशाही सरकार, मतलब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से वो तानाशाही की ओर अग्रसर होती है और फिर वो अपनी मनमानी करती है, फिर वो चाहे 3 काले कानून हो, 370 का मसला हो, या 3 राम मंदिर को भी लेकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का गिरा जाना एक गैरकानूनी था, एक आपराधिक मामला था, लेकिन जनता की भावना को देखते हुए हम ऐसा कर रहे हैं।
और इसमें भी एक ऐसा कानून बना था कि 1947 के बाद से जो जहाँ पर बना हुआ है मंदिर बनी है मस्जिद जहाँ भी है वहीं उसको वैसा ही रहने दिया जाए। इन सब कानूनों की भी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, तो एक वैकल्पिक सरकार आएगी तो उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जनता के भले के लिए काम करेगी। अगर ये सब नहीं होता है तो जनता को तो फिर अपने अधिकारों के लिए ही लड़ना होगा। निश्चित रूप से। धन्यवाद।